एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रचना पलक चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मैं आई हूँ नहा के, तो आज मैंने साड़ी पहनी हुई है। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि साड़ी ब्लॉग के ऊपर कि साड़ी ब्लॉग ही बनाओ, हैंकी टक ब्लॉग बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और मैंने आप लोगों से बोला भी है कि अगर हो सकेगा तो मैं डेली शेयर करूँगी, और नहीं होगा तो फिर एक दो दिन में शेयर करूँगी हैंकी टक ब्लॉग। और यहाँ पर मैंने नारियल का तेल लिया है, वही मैंने सर में भी लगा लिया है, वही थोड़ा सा हाथ में भी लगा लिया है। तो आप लोग सोचोगे कि ऐसे पागलों जैसे काम कर रही है, बट कोई नहीं, मैं नारियल का तेल यूज करती हूँ, सर में लगाती हूँ और वही थोड़ा सा हाथ पैर में भी लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। तो ये देखिए, आज मैंने चिपकू कंघी कर ली है क्योंकि पूरा सर ना चपका चपका सा लग रहा है। और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ हैंकी टक, क्योंकि एक हाउस वाइफ के लिए हैंकी टक बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों को भी देखना बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग कैसे हैंकी टक करते हैं। तो देखिए, आज मैंने सिंपल से तरीके से कर लिया हैंकी टक, और अब इसके बाद में लग जाती हैं जल्दी से काम में। और आप लोगों से आज तो मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की है, तो आप लोगों से मैं बात करूँगी थोड़ी सी। सो फैमिली, मैं हो गई हूँ रेडी, और ये देखो टॉयलेट का गेट भी खुला हुआ है। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ये। तो मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी फ़िलहाल मुझे नाश्ता बनाना है। इतनी तेज़ भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बना लेती हूँ। थोड़ा सा पोहा बनाऊँगी और कुछ भी नहीं, क्योंकि आज है मंगलवार और इनका फास्ट रहता है। सभी को पता है कि इनके पलक के पापा का फास्ट रहता है मंगलवार के दिन, तो उनके लिए आज टिफिन नहीं बनाया, इसलिए आज खाना भी जल्दी नहीं बनाया, नहीं तो खाना मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ। और मैंने कहा चलो अब खाना जब बनाना ही नहीं, इनको टिफिन नहीं बनाना है, तो फिर सारा काम लेट ही करेंगे। तो अभी नहा के मैं फ्री हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। जितना भी जो कुछ भी मेकअप छोटा मोटा सा करती हूँ डेली में, वो मैंने कर लिया है। और हाँ, हैंकी टक भी कर लिया है, क्योंकि हैंकी टक ब्लॉग आप लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली नहीं तो एक दो दिन में शेयर करती रहूँ आप लोगों के साथ में। और चलिए अभी बना लेते हैं पोहा, फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है बच्चों को भी और मुझे भी, क्योंकि रात में मैंने थोड़ा सा खाना खाया था, इसलिए दिन में अब सुबह से ही भूख लगी। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9:30 का ही टाइम है, लेकिन हल्की हल्की भूख लगने लगती है ना। बच्चों को तो फिर ज़्यादा ही लग जाती है, अपन को थोड़ा कम लगती है, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं, उनको सुबह से खाना चाहिए होता है थोड़ा बहुत खाने के लिए। और चाय बिस्किट वगैरह खा लेते हैं आज, लेकिन बिस्किट भी नहीं खाए हैं बच्चों ने, सिर्फ दूध पिया हुआ था। तो चलिए बना लेते हैं पोहा, फिर आप लोगों से मिलते हैं। बहुत सारा टाइम ले लेती हूँ मैं, बक बक बहुत ज़्यादा करती हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहा, और पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया था, उसमें डाल दिया है जीरा, राई और प्याज, हरी मिर्ची, ये सब डाल दिया है। इनको अच्छे से ना भून लेना है, और ये जो मूंगफली है ना, फली दाने, इनको भी मैंने भून के रख लिया है ऑयल में। और इसके बाद में प्याज जब अच्छे से भुन गई, ज़्यादा नहीं भुनना है इसको, थोड़ा सा कच्चा ही रखना है। और फिर मैंने डाल दिया है पोहा, बस इसको अच्छे से चलाते जाना है। और मैंने क्या है ना, एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, तो थोड़ा मोबाइल हिल भी रहा है और वीडियो थोड़ी सी हिल रही है। सो कोई नहीं, आप लोग इग्नोर करना। और यहाँ पर फिर मैंने डाल दी है हल्दी, और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्ची डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि हरी मिर्ची मैंने बहुत सारी डाल दी हैं, 3-4 काट के डाली हुई हैं। और इसमें आप डाल देंगे अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, बस इसको अच्छे से चलाते जाना है और अच्छे से तल लेना है इसको, मतलब ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट तो इसको टाइम देना है, चलाते जाना है, नीचे लग जाएगा नहीं तो। और फिर बस जब खाएंगे तब इसमें नींबू डाल लेंगे, और जो फली सेकी हुई है वो डाल लेनी है, थोड़ा सा सेव डाल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे पोहा बन के हो गया है रेडी। सो आप लोग भी आ जाइए, कितना मस्त लग रहा है ना, फली, पोहा, आलू, प्याज, टमाटर सब डाला हुआ है मैंने, आलू नहीं डाला है, सॉरी, नहीं तो आप लोग सोचो आलू भी डाला है, आलू नहीं डाला है, बट आलू भी डालते हैं। और पर मैं लेके आई हूँ सारे कपड़े उठा के, क्योंकि रात में मैंने बाहर फैला दिए थे गैलरी में, वही कपड़े सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो ये उठा के लेके आते हैं। और इसके बाद में फिर मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, खाना आना खाया फिर नहीं किया था रिकॉर्ड। सो फैमिली, अब यूट्यूब में जस्ट सो गए, और दोपहर को अगर मैं लेट जाती हूँ ना तो मुझे नींद बहुत जल्दी आती है, रात में भी इतना सोती हूँ, लेकिन दिन में पता नहीं कहाँ से कितनी नींद आ जाती है, मुझे आलस टाइप का लगा रहता है। कम से कम आधा एक घंटा तो मैं सो ही लेती हूँ डेली। और
क्या बोलते हैं ना, कुछ काम नहीं रहता इसलिए आलस आता है और कुछ नहीं, तो दोपहर को क्या काम करेंगे, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी देर सो जाते हैं। तो डेली मैं सो ही जाती हूँ, और इसके ऊपर भी कमेंट आएंगे कि कुछ काम नहीं है तो क्या ब्लॉगिंग ही तो करती हो, कुछ काम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे काम रहते हैं, बट नींद आती है ना तो कोई काम पे मन भी नहीं लगता। खाना ना खाने के बाद ऐसा लगता है कि रेस्ट कर लो और सो जाओ थोड़ी देर के लिए। चलो अभी बनाते हैं चाय, फिर आप लोगों से मिलते हैं। पलक की कंघी भी करनी है और मुझे चाय पीनी है, सो के उठ के चाय पीनी होती है। और मैंने काजल लगाया था और सो गई थी मैं, तो आंखें देखो कितनी अच्छी लग रही ना एकदम, काजल थोड़ा ना फैल जाता है तो अच्छी लगती हैं आंखें सो के उठने के बाद। देखो चलो तो फिर चाय बनाती फिर मिलती। तो यहाँ पर ये पलक भी उठी हैं सो के, मैं सो रही थी तो ये भी सो गई थी, और फिर मेरे बच्चे भी दोनों सो जाते हैं, अगर मैं भी सो जाती हूँ ना तो बच्चे भी दोनों सो जाते हैं। तो यहाँ पे उठी हैं सो के, तो मैंने कहा इनकी चोटी कर देती हूँ नहीं, और इनके बाल ना छोटे छोटे से हैं तो निकल जाते हैं और फिर बहुत अजीब से लगते हैं। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा अब इनकी चोटी कर दूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और चोटी करके यहाँ पर मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, और यहाँ पर मैं भर देती हूँ चाय पत्ती, क्योंकि चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी डिब्बा में, सुबह ही भरनी थी लेकिन सुबह मुझे फिर ध्यान नहीं रहा। मैंने कहा चलो जब चाय बनाऊँगी तब भर लूँगी, तो ये चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी। और आज इस चाय पत्ती की वजह से ना मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि आज तो नहीं बोला इन्होंने, जब भी बोलते हैं, जब भी मैं इनके सामने चाय पत्ती भरती हूँ तो ये इस चाय पत्ती के बारे में कुछ ना कुछ बोलते ज़रूर हैं, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी। मैंने कहा ये देखो अभी ये होते ना तो अभी बोलते, और ये देखो इसमें चम्मच निकलती है इस चाय पत्ती में, और जब भी आती है ना तो मैं यही मंगवाती हूँ और मुझे ये टेस्ट में अच्छी लगती है। और ये देखिए ये जो चाय पत्ती है ना, इसका नाम है अनवी टी, तो इसमें ना ये चम्मच निकलती है, तो मैं जब भी खोलती हूँ ना और इसको निकालती हूँ तो ये बोलती हैं, तो मैं पता है तुम सिर्फ इस ना चम्मच की वजह से ये वाली चाय पत्ती मंगवाती हो। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसकी वजह से ये चम्मच की वजह से चाय पत्ती मंगवाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है स्वाद में इसलिए मंगवाती हूँ। तो ये देखिए चम्मच निकली हुई है, मेरे पास कितनी सारी चम्मच हो गई हैं, सिर्फ चाय पत्ती में निकलती हैं। सो गाइस से बन गई है चाय, और अब मैं चाय पीती हूँ। और चलिए फिर इसी के साथ आज के वीडियो का एंड भी करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और कितना भी सोचूं कि छोटा सा वीडियो बनाऊं बट बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि 10 या 12 या 8 मिनट में हम कुछ नहीं दिखा सकते हैं, घर का थोड़ा बहुत ही दिखा सकते हैं, और सोचो कि अपन पूरा दिखाएं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। सो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, और हाँ इसके आगे का वीडियो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अगर देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा है, अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।